आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। महाराष्ट्र में लोगों को मिली राहत, कोरोना नियमों में दी गई है ढील। महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर गुरुवार से कोरोना के मद्देनजर कई नियमों में छूट दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को खोलने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 22 मार्च के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य से ही सामने आ रहे थे। इस बीच 7 महीनों से ये सब बंद पड़े थे। हालांकि नियमों में छूट देने के साथ ही कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इन सभी का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र में थिएटर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल को यहाँ पर 50% लोगों के क्षमता के साथ ही खोलने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों को अभी बंद रखने का आदेश यहाँ पर सरकार की ओर से जारी किया गया है। वहीं कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सरकार द्वारा अभी इस बात पर किसी प्रकार का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि जिन नियमों में महाराष्ट्र सरकार ने रियायत दी है वो नियम है कंटेनमेंट जोन में नहीं लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर ही ये नियम लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर सिनेमा हॉल और बाकी सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल में साफ बताया गया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बराबर सैनिटाइजर से नियमों का यहाँ पर पालन करना होगा। साथ ही जिन स्थानों को खोला जा रहा है वहाँ भी कुछ खाने पीने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की तरफ से कुछ खेल गतिविधियों को भी चालू करने का फैसला लिया गया है। बैडमिंटन और इंडोर शूटिंग रेंज और टेनिस आदि को खेल पुनः शुरू करने का फैसला सरकार ने लिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इस बीच ये छूटें लोगों को दी गई है। देश में कई राज्य अब स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लेकर फैसला ले रहे हैं। इस कड़ी में पंजाब का नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में अब पंजाब राज्य भी शामिल हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर 16 नवंबर से कॉलेजों को खोलने की तैयारी पंजाब सरकार ने कर ली है। पंजाब सरकार ने मेडिकल शिक्षा, रिसर्च कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को खोलने का आदेश दे दिया है। 16 नवंबर से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंतिम वर्ष की क्लास यहाँ पर खुल जाएंगे। पंजाब सरकार ने यह फैसला उन क्षेत्रों के लिए लिया है जहाँ पर कोरोना से वो क्षेत्र निजात पा चुके हैं, यानी कंटेनमेंट जोन में वो इलाके नहीं आते हैं। वैसे संस्थान तो कंटेनमेंट जोन में है जिन्हें अभी बंद रखा गया है। जो भी संस्थान पंजाब में यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में है उन्हें फिलहाल बंद रखा गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखा है। वहीं राज्य सरकार ने यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल भी जारी किया है जिसका पालन यहाँ पर छात्र छात्राओं को करना होगा। वहीं स्कूल प्रशासन को करना होगा। इन संस्थानों को खोलने के लिए जो भी नियम है वह जरूरी सुविधा है, अब उसे देना होगा। पूरी तरह से नियमों का ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के शिक्षण संस्थानों को खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिया था। इस निर्देश में साफ तौर पर सुधार और विज्ञान तकनीकी व स्नोत्तर छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखा गया है जिन्हें प्रयोगशाला प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। ऐसे छात्रों के लिए संस्थान खोलने की सरकार ने अनुमति दी है। वही हरियाणा सरकार ने भी 16 नवंबर से यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों को खोलने का यहाँ पर आदेश जारी किया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में अभी कमी आई है। नागरिकों से यहाँ पर दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार यहाँ अपने खोल रही है। हालांकि कितने छात्रों को एक साथ क्लास में बैठने की जरूरत होगी इसको लेकर चर्चा यहाँ पर सरकार कर रही है। वही कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की जरूरतों का ध्यान भी यहाँ पर सरकार की ओर से रखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 दिसंबर से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। अगर 30 नवंबर के बाद हालात अगर काबू में आते हैं, सामान्य होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब स्कूल कॉलेज यहाँ पर 1 दिसंबर से खोलने पर सरकार पैसा ले सकती है। वही झारखंड में भी बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें ये बात कही गई कि हालांकि सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है, सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल या कॉलेज बनाने की परमिशन यहाँ पर झारखंड सरकार ने दी है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर संकेत दिया है कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद ही यहां पर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्कूल और कॉलेज
इसके लिए कितने तैयार हैं? राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिसोदिया ने कहा है कि परिजन फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है। वही आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूलों को 2 नवंबर से खोलने का फैसला किया था, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सूबे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेज को यहां पर बंद रखा जाएगा। वही मेघालय दोबारा पटरी पर लौटने को तैयार है और सरकार ने स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को केवल कंस्ट्रक्शन के लिए स्कूल आने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 10 के छात्रों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। सरकार किसी भी वक्त कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान। आएगी 8,000 करोड़ रुपए की खास स्कीम। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज में एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट को यहां पर बढ़ाने पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार पर चर्चा हुई है। दरियाल अक्टूबर 2020 में GST कनेक्शन से लेकर बिजली की खपत में अभी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों में जमकर निवेश किया है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि खेती और रेलवे में बिजली की खपत उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है, फिर भी देश में औद्योगिक गतिविधियों में बिजली की खपत बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि अब इकोनॉमी के सभी सेक्टरों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर में GST कनेक्शन 1,05,000 करोड़ रुपए रहा है। वही उत्पादन के लिए इनपुट की खरीद भी बढ़ी है। स्टील उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में वृद्धि हुई है। वही भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से आमदनी में अपना इजाफा किया है। वही वित्त सचिव अजय भूषण पांड्या ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। वित्त सचिव के मुताबिक सरकार दूसरे स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है। यह पैकेज कब तक आएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में अच्छी आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। सूचीबद्ध कंपनियों का टर्नओवर और मुनाफा बढ़ा है। यही नहीं, अक्टूबर के दौरान निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि इन सभी संकेतों से साफ है कि देश में अर्थव्यवस्था तेजी से बेहतर स्थिति में आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश में 1,810 करोड़ रुपये की लागत वाले 110 मेगावाट से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे 2,000 लोगों को रोजगार मिले। देश भर में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले। मौतों का आंकड़ा 1,24,000 हुआ है पार। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 50,209 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 704 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन नए मामलों के साथ ही देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,64,086 पहुंच चुकी है। इस वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भारत में 1,24,315 हो गई है। अब तक देश में 77,11,809 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। वही इस बीमारी से वो जीत चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 55,321 लोगों ने कोरोना को हराया है। अस्पतालों से उन्हें छुट्टी मिली है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते रोज 24 घंटों के दौरान 12,09,225 कोरोना टेस्ट पूरे भारत में किए गए। इसी के साथ अब देश में कुल हुए टेस्टों का आंकड़ा भी 11,42,08,384 हो गया है। कुल संक्रमितों से ये 92% मरीज अब तक भारत में ठीक हो चुके हैं, यानी भारत में अब रिकवरी रेट 92% हो गया है। बीते रोज दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,842 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये किसी एक दिन में राजधानी दिल्ली में आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 409,938 पहुँच चुकी है। बुधवार को दिल्ली में 51 और लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसे महामारी की तीसरी लहर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हालात पर लगातार नज़र बनाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहर में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं है। हालांकि कुछ निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त ICU बिस्तरों की कमी है, जिसका निदान भी 1-2 दिन में यहाँ पर कर लिया जाएगा। देश के 18 राज्यों में पटाखों पर लगेगी रोक। NGT ने दिया है आदेश। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसको बच्चे बुजुर्ग सभी इंजॉय करते हैं। खासकर दिवाली पर पटाखे फोड़ना किसको पसंद नहीं होता है।
अब बड़ा हो या छोटा, सभी को पटाखे की गूंज सुनने का मन करता है, लेकिन इस बार पटाखा फोड़ना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस बार कोरोना के चलते बाजारों में पटाखे नहीं मिलेंगे। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है। अलग अलग समूह द्वारा 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदेश कुमल की पीठ ने इस मामले से पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इनको भेज दिया गया है, जबकि राजस्थान, उड़ीसा सरकारों ने अपने यहाँ पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दरियार एनजीटी ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तराखंड के लिए पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पीठ ने कहा है कि सभी संबंधित राज्य जहां हवा जहरीली है उस जगह पर पूर्ण तरह से पटाखे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ओडिशा और राजस्थान जैसे जगहों पर खरीद और बिक्री के कदम पर भी विचार किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 4 राज्यों को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं ने 7 से 30 नवंबर के बीच पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। गहलोत सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगाया है बैन। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर बैन लगा दिया है। तबादला करने की मियाद 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए हटा दिया था, लेकिन अब 31 अक्टूबर को तबादले करने की अवधि समाप्त होने के बाद उसे अब आगे नहीं बढ़ाया है। अब फिर से उन पर आगामी आदेश तक बैन लगा दिया है। वही राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का तबादला अब सिर्फ राज्य के हित में ही किया जाएगा। परिपत्र में ये भी कहा गया है कि इच्छित जगह के लिए APO कर अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाने के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। वही प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सचिवों को आदेशों की सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ये आदेश राज्य के सभी निगमों, बोर्डों और मंडलों और स्वायत्ती संस्थाओं पर लागू होंगे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।